हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दया चैनल में स्वागत है। हम सेट थ्योरी आर्टिकल्स को हमने स्टडी किया था, उसकी थ्योरी स्टडी की, उसके बाद आपके बोर्ड्स के प्रॉब्लम्स भी देखे। मैंने साइमल्टेनियसली आपको कॉम्पिटिटिव के लिए सेट को कैसे हैंडल करना है ये भी बताया, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स थे उनको भी आपको बताया। तो यहाँ पर इंटरवल के रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए पहले हम इंटरवल की जो बेसिक चीज़ें है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल रिलेशन की तरफ चलेंगे। तो जो इंटरवल में हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वालिटीज़ इनइक्वालिटीज़ को अच्छे से लर्न करना होगा। देखो, ये आपके पहले भी हो चुका है लेकिन फिर भी आपको डाउट है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ये क्या है, स्ट्रिक्टली लेस की इक्वालिटी है, और ए जो है ये क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर की इक्वालिटी है। जब भी हम इसका यूज़ करते हैं, जो अगर आई मैंने ऐसे लिखा 3 less than x, इसका मतलब हमें x ऐसे लेने हैं जो 3 से बड़े होंगे, तो 3 के इक्वल होने का यहाँ पे कोई सवाल नहीं होता, हमारा x हमेशा 3 से बड़ा होगा। फिर वो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। और अगर मैंने ऐसे किया कि 3 is greater than x, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा x जो है वो 3 से छोटा है, यानी कि क्या है, 3x से बड़ा है। तो यहाँ पे x के वैल्यूज़ क्या आएंगे, 2 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 0 आ सकते हैं, फिर निगेटिव में आ सकते हैं। तो ये है स्ट्रिक्टली लेस इक्वालिटी इनइक्वालिटी, और है स्ट्रिक्टली ग्रेटर। तो जब भी स्ट्रिक्टली लेस या स्ट्रिक्टली ग्रेटर आते हैं तो हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल का यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट, यानी कि क्या होता है, ओपन इंटरवल। तो चलो, अगर आपके पास ऐसा आ गया, आपने इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज़ को सॉल्व किया और आपके पास ऐसा आ गया कि x इज लेस देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन 3, ओके, तो इसका मतलब क्या है, x 4 से लेस है, तो आपको सीधा क्या करना है, रियल लाइन ड्रॉ करनी है। आपको क्या करना है, ऐसे x लेने हैं जो 4 से छोटे होंगे। तो यहाँ पे मैंने अगर 0 ले लिया, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे, ओके ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे x लेने हैं जो 4 से छोटे होंगे। तो 4 तो नहीं ले सकते, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, राउंड ब्रैकेट आ गई, 4 लेना नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस है, स्ट्रिक्टली लेस मतलब बाउंड्री पॉइंट कंटेन नहीं करना है। तो फिर क्या होगा, 4 से लेस आपको लेना है, 4 से लेस मतलब क्या होगा, यहाँ आने वाले सभी ले सकते, 3 ले सकते, 4 वो 2 ले सकते, 1 ले सकते, 0 या फिर यहाँ से ले सकते। और यहाँ पे आपको क्या करना है, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, यहाँ पे x 3 से बड़ा होगा, तो 3 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। सो 3 से बड़ा मतलब क्या, यहाँ से आगे यहाँ पे, तो इस तरह से। तो आपको क्या करना है, ऐसे x लेने हैं जो 4 से छोटे भी है, यहाँ पे एंड है, और x ऐसे लेने हैं जो 3 से बड़े है, यानी कि हमें ऐसे x लेने हैं जो 4 से छोटे होंगे एंड 3 से बड़े होंगे। सो 3 से बड़े एंड 4 से छोटे, मतलब इस बीच, यहाँ के बीच जो भी आएगा यहाँ पे, तो वो हमारा क्या होगा, x होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3, 4, ओके ना। क्यों, 3 कंटेन नहीं करना है क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस है, 4 कंटेन नहीं करना है क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, ओके ना। तो जब भी ऐसी इनइक्वालिटी आती है हम ओपन इंटरवल का यूज़ करेंगे, और दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। मैं यहाँ का पॉइंट नहीं ले सकता क्योंकि ये क्या है, 4 से छोटा है लेकिन 3 से बड़ा नहीं है, और मैं यहाँ के पॉइंट्स भी नहीं ले सकता, क्यों, ये 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा नहीं है। सो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये होगा स्ट्रिक्टली लेस एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर के लिए। तो हमारे पास ऐसे भी है, लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल, तो अच्छे से समझो, लेस इक्वल, सेम एग्जाम्पल मैंने अगर ले लिया तो x इज लेस इक्वल 4 और x इज ग्रेटर इक्वल 3, तो सेम हम फिर रियल लाइन की तरफ चलेंगे, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 4। तो मुझे क्या करना है, x जो है हमारा 4 या 4 से छोटा है, अभी देखो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ रहा है, मतलब क्या, हम 4 कंटेन कर सकते हैं, 4 कंटेन करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, 4 या 4 से छोटा, फिर यहाँ से पीछे चलेंगे लेकिन 4 कंटेन करेंगे। और यहाँ पे देखो, अगर x ग्रेटर इक्वल 3 है,
इसका मतलब x क्या है, 3 या 3 से बड़ा है, यहाँ पे इक्वल है, मतलब x की वैल्यू 3 ले सकते, यहाँ पे x की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, तो x 3 है और 3 से बड़ा, यानी कि ऐसे चलेंगे। तो बीच में क्या है, एंड है, एंड मतलब ए बी और ए बी दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी कि हमें क्या करना है, ऐसा x लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई करे मतलब क्या, 4 से छोटा भी हो और 3 से बड़ा भी हो, यानी कि 3 एंड 4 के बीच जो होगा वही इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे अगर ले लिया तो इसे सेटिस्फाई करेगा लेकिन इसे नहीं करेगा, और यहाँ पे ले लिया तो इसे सेटिस्फाई करेगा लेकिन इसे नहीं करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला मतलब 3 एंड 4 के बीच। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3-4। तो यहाँ पे मैंने क्लोज्ड इंटरवल यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल टाइप इनइक्वालिटी थी, और मैंने यहाँ पे राउंड ले लिया यानी कि ओपन इंटरवल ले लिया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर टाइप इनइक्वालिटी थी। तो आपको ये समझना होगा कि कब आपको स्ट्रिक्टली लेस इक्वल स्ट्रिक्टली ग्रेटर इक्वल यूज करना है जो एक क्वेश्चन में दिया होगा, और ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल कब यूज़ करना है वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। तो लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल में होगा तो इंटरवल क्लोज्ड रहेगा, और स्ट्रिक्टली लेस या स्ट्रिक्टली ग्रेटर में रहेगा तो इंटरवल ओपन रहेगा। तो ये आपका डाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम क्या करते हैं, रिलेशन जो हमारा आर्टिकल है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिकली रिलेशन को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ऑर्डर पेयर पता होनी चाहिए। तो ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब क्या होता है आपको पता है, यानी कि 2। ओके, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर का मतलब क्या है जी, उनका जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, स्पेसिफाइड होगा। अब दो ही है तो कोई आगे आएगा या कोई पीछे आएगा, तो इससे बेटर ऑर्डर नहीं होगी। तो ऑर्डर पेयर मतलब क्या, कि ऐसी पेयर जिसका सीक्वेंस क्या है, फिक्स्ड है, जिसे हमने क्या किया है, फिक्स्ड किया है बाय कुछ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इस तरह से कोई भी रिप्रेजेंटेशन ए बी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। जैसे देखो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी किया था, क्या है कोऑर्डिनेट्स, जब भी हम प्लेनर ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और बाद में क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो रूल है ये हमने क्या किया है, असाइन किया है, फिक्स्ड किया है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखेंगे और बाद में वाई कोऑर्डिनेट ही लिखेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। दो कोऑर्डिनेट लिखने थे हमें और उसमें से फर्स्ट हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट था और वाई हमेशा सेकेंड कोऑर्डिनेट y था, तो फर्स्ट x ही लिखेंगे बाद में y ही लिखेंगे, ये जो रूल है ये रूल हमने असाइन किया था। तो उसी टाइप में ये भी है, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने यहाँ से पहले ओपन इंटरवल भी स्टडी किया है, तो ओपन इंटरवल अगर आपने स्टडी किया है तो इसका मतलब क्या होगा, a के बीच में आने वाले सभी। तो यहाँ पे हम इंटरवल नहीं ले रहे हैं, आपको समझना होगा, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ऑर्डर पेयर ले रहे हैं। तो ऑर्डर पेयर का मतलब सिर्फ ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में नहीं, ओके ना। तो इस तरह से कोई भी रिप्रेजेंटेशन, दो नंबर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर बोलेंगे, ओके। तो उसके बाद हमें क्या सीखना होगा, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, सपोज ए एंड बी आर टू, ऑब्वियसली हमें कैसे लेने होंगे, नॉन एम्प्टी, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ओके। तो हमने क्या ले लिया, ए एंड बी ऐसे टू नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए। तो फिर कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर पेयर ए बी, यानी कि ऑर्डर पेयर में लिखना है सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अच्छे से देखो क्या करना है, कोई भी ऑर्डर पेयर हमने लिखा लेकिन कैसे लिखना है, पहले ए लिखना है और ए क्या होगा, ए से बिलोंग होगा, और बी जो होगा वो बी से बिलोंग होगा। देन दिस टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड एज अ ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अच्छे से देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट के बीच का ऑर्डर पेयर होता है। तो ऑर्डर पेयर में क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट ए का आएगा और सेकेंड एलिमेंट बी का आएगा। अगर
ए क्रॉस बी आपको लेना है, तो फर्स्ट पेयर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर, मतलब हमें क्या लिखना है, दो एलिमेंट राउंड ब्रैकेट में लिखने हैं। अच्छे से सुनो, ऑर्डर पेयर मतलब क्या है, दो एलिमेंट हमें राउंड ब्रैकेट में लिखने हैं। तो ऑर्डर पेयर है यानी कि फर्स्ट पेयर, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट डिफाइंड होगा। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट हमें हमेशा ए से लेना है और सेकेंड एलिमेंट हमें हमेशा बी से लेना है। तो ए क्रॉस बी मतलब क्या, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ए के लिए क्या लिया, 1 2 3 ले लिया, और बी के लिए क्या ले लिया, ए ई आई ले लिया, या फिर चलो दो ही लेता हूँ, ए एंड ई ले लिया। अच्छे से देखो, तो मुझे क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी कि मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी जो है आपका उसे कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ कैसे, ऑर्डर पेयर, ए बी, ए का होना चाहिए ए में और बी का होना चाहिए बी में। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 1 जो ए में है, और दूसरा एलिमेंट जो मुझे लिखना है वो ए से नहीं लिखना है, वो बी से लिखना है, मतलब क्या आएगा ए, या फिर ऐसा आ सकता है 1 ई। ओके, तो पहला एलिमेंट ए से क्या लिया, 2, तो दूसरा एलिमेंट जो है वो तो बी से लेना है, क्या आ सकता है ये, या फिर आ सकता है ई। ओके, तीसरा एलिमेंट मैंने ले लिया 3, तो बी से जो दूसरा एलिमेंट है वो कैसे आएगा, बी से आएगा, वो आ सकता है ए या फिर आ सकता है ई। इस तरह से हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, क्या होगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। यहाँ पे डिफिनेशन देखो, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर कैसे होगी, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ से होगा और सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो यहाँ से होगा। तो इस तरह से मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से, सेकंड एलिमेंट यहाँ से, तो यहाँ पे 1 ले लिया, तो यहाँ से ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, तो एलिमेंट आ गए। अगर मैंने यहाँ से 2 ले लिया, तो यहाँ से ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ये दो एलिमेंट आ गए। अगर मैंने ए से 3 ले लिया, तो सेकेंड एलिमेंट बी से ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, यहाँ पे आ गए। तो ए क्रॉस बी आपका ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी होंगी। देखो, अगर मैंने यहाँ पे बी क्रॉस ए बना लिया, देखो अच्छे से देखो सुनो, इसे क्या है, बी क्रॉस ए, तो अब ये चेंज होगा, बी क्रॉस ए यानी कि क्या होगा, ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा बी, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा ए, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। ओके ना, तो B क्रॉस A जो है वो क्या होगा, बी ए यानी कि फर्स्ट एलिमेंट B से होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट A से होना चाहिए। तो एग्जाम्पल A ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट B से ले लिया, तो मैंने ले लिया A, तो A से सेकेंड एलिमेंट क्या आ सकता है, 1 2 3, तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। 1 आया तो ऐसे होगा, 2 आया तो ऐसे होगा, और 3 आया तो ऐसे होगा। ओके ना, और अगर मैंने सेकेंड B का जो एलिमेंट है वो E ले लिया, तो सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, ए से, ए से 1 आ सकता है, ए से 2 आ सकता है, ए से 3 आ सकता है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। तो ये जो फर्स्ट पेयर है और ये जो फर्स्ट पेयर है इसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पे आ गया 1 ए, कहाँ, ये कहाँ से आ गया, ए क्रॉस बी से, और बी क्रॉस ए से क्या आ गया, ए 1 बी क्रॉस ए से। तो ये देखो, ये दोनों सेम है क्या, डेफिनेटली ये दोनों सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ऐसे कब कह सकते हैं, जब ए इज इक्वल टू पी एंड बी इज इक्वल टू क्यू होगा, तभी हम बोल सकते हैं ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर पी क्यू। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों सेम नहीं है, इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब 1 ए इज नॉट इक्वल टू ए 1। इसका मतलब क्या होगा, 1 ए इज नॉट इक्वल टू ए 1। इसका मतलब ए भी होगा कि ए क्रॉस बी नॉट नेसेसरीली इक्वल टू बी क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा याद रखो, ए क्रॉस बी हमेशा बी क्रॉस ए होगा, ऐसा नहीं है। क्लियर, ठीक है, चलो। तो यहाँ से एक और बात आपने यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी, तो ये जो सेट मैंने लिया था, अच्छे से सुनो, ए जो सेट मैंने लिया था इसमें कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट्स थे। बी जो सेट मैंने ले लिया यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए,
1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे ज़्यादा आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो बी क्रॉस ए में कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बी क्रॉस ए में भी कितने एलिमेंट आ गए? 6 एलिमेंट आ गए। इसका मतलब अगर एन ए में कितने एलिमेंट्स हुए? पी एलिमेंट्स हुए, और बी में कितने हो गए? क्यू एलिमेंट्स हो गए। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? देखो यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 6 आ गए। आप फॉर आपके लिए यहाँ पे एक और ले लिया आई, तो यहाँ पे देखो कितने आएंगे, और 3 एलिमेंट्स बढ़ेंगे। तो अगर ए में पी एलिमेंट्स हो गए, बी में क्यू एलिमेंट्स हो गए, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? पी इंटू क्यू, 3 × 2, 6 एलिमेंट्स। सिमिलरली एन ऑफ बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे? Q into P, दोनों सेम होंगे। इसका मतलब n of A cross B is equal to n of B cross A होगा। अच्छे से देखो मैं क्या क्या आपको बता रहा हूँ। अगर A में, चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अगर ले लिया, A में कितने एलिमेंट आ गए? 4 एलिमेंट आ गए, और B में 6 एलिमेंट आ गए। तो यहाँ 4 एलिमेंट है, यहाँ 6 एलिमेंट है, तो A cross B में कितने एलिमेंट होंगे? 4 × 6, 24 एलिमेंट आएंगे। अच्छे से देखो, तो इस तरह से अगर आपको ए के एलिमेंट पता होंगे, बी के एलिमेंट पता होंगे, तो आप ए क्रॉस बी के एलिमेंट बता सकते हो, बी क्रॉस ए के एलिमेंट बता सकते हो। ए क्रॉस पी के बी क्रॉस ए के बराबर होगा या नहीं होगा बता नहीं सकते। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के डेफिनेटली बराबर होगा ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही होंगे। तो यहाँ पे हमें कैटेगराइज क्या करना है, अच्छे से देखो। यहाँ से हमें कैटेगराइज क्या करना, क्या करना है कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है? ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। ए क्रॉस बी जो सेट है वो बी क्रॉस ए के जितना होगा ऐसा नहीं है। अगर ए में यम एलिमेंट्स हुए और बी में यन एलिमेंट्स हो गए, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? m into n एलिमेंट्स आएंगे। एंड n ऑफ b क्रॉस a में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे? n into m एलिमेंट्स आएंगे। इसका मतलब a क्रॉस b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड b क्रॉस a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम ही होंगे। सेट सेम नहीं होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो चलो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ से आगे हमें क्या चलना है? रिलेशन की तरफ चलना है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी इज इक्वल टू 3, 6 एंड 9। तो आपको क्या करना है? ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए को फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है आज के लिए। आपको ए दिया है, बी दिया है, आपको ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए फाइंड करके मुझे सेंड करना है। ओके, तो यहाँ पे अब हम रिलेशन की डेफिनेशन को देखेंगे। रिलेशन, तो चलो क्या है रिलेशन, सबसे पहले ऑब्जर्व करो। रिलेशन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? रिलेशन को अगर हमने आर बोला तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो चलो यहाँ पे अगर हमने ले लिया ए क्रॉस बी को, यहाँ के कुछ एलिमेंट मैंने लेता हूँ 1, 3, 1, 6, 2, 9, 3, 9 ये मैंने ले लिया। तो ए क्रॉस बी का मैंने यहाँ पे आर ले लिया, ए क्रॉस बी नहीं है एक्चुअली। तो ए में कितने एलिमेंट्स है? देखो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। बी में कितने एलिमेंट्स है? एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स। तो आपको पता होने चाहिए एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, या 5 या 3 है, तो यहाँ कितने एलिमेंट्स आएंगे? 15। लेकिन यहाँ पे मैंने आर में कितने एलिमेंट्स लिए? 1, 2, 3, 4 इतने एलिमेंट्स ले लिए। तो ये सभी एलिमेंट्स 1, 3, 1, 6, 2, 9, 3, 9 ये सभी एलिमेंट कहाँ जाने वाले हैं? ए क्रॉस बी में जाने वाले। तो आर में जो एलिमेंट है वो सभी के सभी एलिमेंट कहाँ आएंगे? ए क्रॉस बी में आएंगे। तो आर
क्या हुआ, ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया, क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो फिर रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी आप सबसेट लो तो फिर आपको क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। अच्छे से सुनो, आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना आना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप कोई भी सबसेट लोगे तो वो क्या है, रिलेशन है। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ से फिर से आगे चलेंगे। ए में कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। बी में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो आपको पता चल गया ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 15। यन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 15 होंगे। तो रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, 15 एलिमेंट्स, तो हमें पता है अगर ए में यम एलिमेंट्स होंगे, अच्छे से देखो, सेट थ्री हमारा हो चुका है। क्या है, अगर ए में यम एलिमेंट्स होंगे तो ए के कितने सबसेट्स मिलेंगे हमें, हो चुका है, अच्छे से देखो कितने सबसेट मिलेंगे, तो 2^2m इतने क्या मिलते हैं, सबसेट्स मिलते हैं। अगर a में m एलिमेंट्स हो गए तो 2^2m इतने क्या मिलते हैं, सबसेट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स है, 15 एलिमेंट्स है, तो फिर a क्रॉस b के कितने सबसेट्स मिलेंगे, 2^15 इतने क्या मिलेंगे, a क्रॉस b के सबसेट मिलेंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ए में 5 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 15 एलिमेंट्स आएंगे। अगर एक एक सेट हमने लिया जिसमें एम एलिमेंट्स है, तो किसी भी एम एलिमेंट्स वाले सेट के सब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2^m जितने सबसेट्स होते हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, 15, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, 2^15 इतने सबसेट्स होंगे। ओके ना, तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट क्या है, रिलेशन है। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स मिलेंगे, 2^15 सबसेट्स मिलेंगे। 2^15 सबसेट्स मतलब कितने रिलेशन मिलेंगे, 2^15 जितने रिलेशंस मिलेंगे। तो यहां पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, इसकी तरफ ध्यान दो। यन ऑफ ए जो है, ए क्या है, यम है, मतलब ए में कितने एलिमेंट्स है, यम एलिमेंट्स है, और बी में कितने एलिमेंट्स है, यन एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, यन इंटू यम एलिमेंट्स होंगे। ए में यम एलिमेंट्स है, बी में यन एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में क्या है, यन इंटू यम एलिमेंट्स होंगे। हमें पता है इफ ए हैज यम एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट of A is equal to 2^m। ओके ना, अगर A के पास m elements होंगे तो उसके पास कितने subsets होंगे, 2^m subsets होंगे। अब A cross B के पास कितने element है, n into m elements है। But now A cross B is equal to n into m, therefore number of subset of ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, अगर ए के यम एलिमेंट्स है तो सबसेट 2^m थे, अब ए क्रॉस बी के यन इंटू यम एलिमेंट्स है तो सबसेट्स कितने होंगे, 2^nm इतने सबसेट्स होंगे। ओके ना, तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट क्या है, आपका रिलेशन है। आपके पास सबसेट कितने हैं, 2^n(m) इतने सबसेट्स है, तो आपके पास कितने रिलेशंस होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस कहां से, फ्रॉम ए टू बी में कितने रिलेशंस आएंगे आपके पास, 2^m(n) या n इंटू यम इतने रिलेशंस आएंगे। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट को अच्छे से समझो, अगर a n ऑफ a क्या है, यम है, n ऑफ b क्या है, n है, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b मतलब a क्रॉस b कितने होंगे, 2^m(n) इतने क्या आएंगे आपके पास, रिलेशंस आएंगे। ओके, तो रिलेशंस आपको पता चल गया, अगर ए में यम एलिमेंट्स है, बी में यन एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट कितने होंगे, 2^mn इतने सबसेट्स होंगे, यानी कि 2^mn इतने रिलेशंस होंगे। तो जब आपके रिलेशंस फॉर्म हो गए,
आपके क्या हो गए, रिलेशंस फॉर्म हो गए, तो आपको उसका डोमेन एंड रेंज भी आना चाहिए। तो चलो यह एग्जांपल के तौर पे मैं फिर से लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए ई आई, और यहाँ पे मैंने एक रिलेशन ले लिया, कोई भी ले लो ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी का, 1E, 2I, 3E, 2E, ओके इस तरह से मैंने ले लिया। ये क्या है, ऑर्डर पेयर से, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए से है और सेकेंड एलिमेंट हमेशा बी से है। तो ये क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट आएगा, क्योंकि ये सभी के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में आएंगे ही आएंगे। तो आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। ओके तो अच्छे से सुनो कि यहाँ पे आर है जिसके एलिमेंट सभी आपको कहाँ मिलेंगे, ए क्रॉस बी में मिलेंगे। ओके ना, तो ए क्रॉस बी में इसके सभी एलिमेंट्स आएंगे, तो आर ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया, मतलब आर क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो इस रिलेशन में आपको क्या बताना है, डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ रिलेशन। सो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है कि डो ऑफ आर, इसे हम बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। क्या है डोमेन ऑफ रिलेशन, इज अ सेट ऑफ ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। इसे आपको अच्छे से समझना होगा, क्या है रिलेशन, देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन का हमें डोमेन एंड रेंज ये दो टर्म सीखनी है। डोमेन, डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन इज सेट ऑफ ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। आर में जो ऑर्डर पेयर होती है, अच्छे से सुनो ताकि आपको समझने में आसानी होगी। आर यानी कि क्या, रिलेशन, रिलेशन में जो एलिमेंट होते हैं यानी कि ऑर्डर पेयर आएगी रिलेशन में, तो ऑर्डर पेयर जो रिलेशन में है उसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब ए क्या है, डोमेन ऑफ आर है। तो यहां पे इस एग्जांपल में डोमेन ऑफ आर क्या आएगा, 1E आर में है उसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1, 2I आर में है इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 2, 3E दो आर में है इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 3, 2E इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगी 2, 2 पहले से भी यहाँ है, तो ये क्या हो गया, डोमेन ऑफ रिलेशन हो गया। क्या हो गया, डोमेन ऑफ रिलेशन। अच्छे से देखो, आर में आने वाली सभी ऑर्डर पेयर जो है उनका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन ऑफ आर होता है। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे बताएंगे, डोमेन इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। रिलेशन में आने वाले सभी ऑर्डर पेयर जो है उनका फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम उनका सेट बनाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट आएगा उसे हम डोमेन बोलेंगे। तो रेंज किसे बोलेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन। क्या रेंज ऑफ रिलेशन, आर ऑफ आर इज इक्वल टू इज अ सेट ऑफ बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके तो आपको यहां पे आप बता सकते हो रेंज ऑफ आर क्या होगी, अच्छे से देखो रेंज ऑफ आर क्या है, रेंज ऑफ आर इज अ सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है, रिलेशन में आई हुई जो ऑर्डर पेयर है, तो उसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट मतलब रेंज ऑफ आर होगा। तो यहाँ पे देखो बोर्ड पे 1E, तो रेंज क्या आएगी, 1E ए आर में है तो इसका सेकेंड एलिमेंट यानी कि E, 2I आर में है इसका सेकेंड एलिमेंट यानी कि I, 3E इसका सेकेंड एलिमेंट यानी कि E पहले से ही है, 2E उसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, E मतलब ये। तो रेंज ऑफ आर क्या आ गया, E एंड I आ गया। तो यहाँ पे B में A था लेकिन रेंज ऑफ R में A नहीं आया, क्यों, क्योंकि रिलेशन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें सेकेंड एलिमेंट क्या है, A है। तो अच्छे से सुनो, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उनके बारे में आपको क्या करना है, थिंक करना है। रिलेशन में आई हुई ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि डोमेन होगा और सेकेंड एलिमेंट यानी कि रेंज होगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखो डोमेन ऑफ आर क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तीनों के तीनों ए में है, और रेंज ऑफ आर में क्या आ गया, ई आई आ गया, दोनों के दोनों बी में है। इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका सबसेट क्या होगा, आर होगा, और आर में आने वाले फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होंगे एंड सेकेंड एलिमेंट रेंज होंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि डोमेन में
कौन आएगा? फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? ए से। सो डोमेन ऑफ आर में ए में आने वाले ही एलिमेंट होंगे, सभी के सभी होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन होंगे तो ए में से होंगे। और रेंज में कौन सा आता है? सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट मतलब बी का होगा, तो रेंज ऑफ आर में जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से होंगे? बी से होंगे। इसका मतलब क्या है? डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए एंड रेंज ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ बी। ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए का सबसेट डोमेन होगा और बी का सबसेट रेंज होगा। ओके ना, तो इस तरह से आपको रिलेशन क्या है, रिलेशन के कितने, हाउ मेनी रिलेशंस आप फाइंड कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये आपको फाइंड करता आना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसे आपको सॉल्व करना है। सपोज ए हैज़ 6 एलिमेंट्स एंड बी हैज़ 4 एलिमेंट्स। अच्छे से देखो, ए हैज़ 6 एलिमेंट्स एंड बी हैज़ 4 एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, अच्छे से देखो। ए सेट ए हैज़ 6 एलिमेंट्स एंड बी हैज़ 4 एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए क्रॉस बी। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको मुझे सेंड करना है। तो ये जो आज का वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब तक आपने एक्सपर्ट दहे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो चैनल के रिलेटेड वीडियोज़ के रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।